नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, सभी को चैत्री नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, कोशिश करें नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये जो महापर्व आते हैं, इन्हें पूजा पाठ अवश्य करें। जो भी दिन जिस देव का है, जैसे नवरात्रि माता रानी की है, 9 दिन पूजा अवश्य करें। कोई पार्टिकुलर माता रानी आपको पसंद हो ना हो, अपनी कुल देवी के नाम का तो 9 दिन अखंड दिया जलाएं, घर में दिया बत्ती लगाएं, पुष्प अर्पित करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें और ओम नमो कुल देवी भ्याम नमो नमः इस मंत्र को बोले। जिन्हें कुल देवी का पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बताते हैं जब कॉल पर बात होती है कि मैडम हमें पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, तो ओम नमो कुल देवी भ्याम नमो नमः आप इस मंत्र का जाप करें ताकि जो भी आपकी कुल देवी है वहां तक आपकी बात पहुंच जाएगी। जिन घरों में कुल देवी की पूजा नहीं होती है वहां तरह तरह की तकलीफें आती है और घर नहीं बसता है, बस जाता है तो टिकता नहीं है। तो ये नवरात्रि के दिन कोशिश करें, नवरात्रि के 9 दिन व्रत उपवास करें। व्रत उपवास ना भी कर पाए तो 9 दिन माता रानी की सेवा पूजा तो अवश्य ही करें। दोस्तों, इस साल नवरात्रि का जो घट स्थापना का मुहूर्त है ये सुबह 6:11 से 10:23 तक है। जो अभिजीत मुहूर्त है ये 12:03 से 12:23 तक है। बहुत बढ़िया समय है, सॉरी 12:45 तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें भी आप कर सकते हैं। कलश स्थापना इसलिए आवश्यक होती है नवरात्रि में, जो कुछ लोगों ने पूछा था तो मैं बता दूं, कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही स्थापना की जाती है। इसमें तीनों को ही इमेजिनेशन किया जाता है कि ये सागर है और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजमान है। वरुण देवता की पूजा की जाती है, ऊपर नारियल रख करके माता रानी की स्थापना की जाती है। कई जगह जवारे के बीचों बीच में कलश स्थापित किया जाता है, कई जगह कलश अलग रखा जाता है, जवारे अलग रखे जाते हैं। कलश जो आप स्थापित करते हैं उससे गेहूं या चावल के ऊपर या फिर 7 प्रकार के अनाज के ऊपर ही स्थापना करें। कलश के मुख पर नाड़ा छड़ी अवश्य ही बांधें। कलश के अंदर कुछ पैसे, सुपारी, चावल, पुष्प जरूर डाल दें। दोस्तों, कलश की जब आप स्थापना करते हैं उसमें साक्षात माता रानी का अवतरण हो जाता है। कलश में सारी चीजें डालकर आम के पत्ते, अशोकपालों के अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं या पान के पत्ते, इनसे आप कलश को सजाएं और बाद में उसके ऊपर आप नारियल पर माता रानी की चुनरी लपेट करके फिर उनकी स्थापना करें। कलश के नीचे जो आपकी इच्छा है, एक छोटा सा कागज ले लें, उस पर अपनी इच्छा लिख दें, उसको फोल्ड कर दें, उसके ऊपर माता रानी के नाम का कुमकुम लगा दें और उस कागज को कलश के नीचे दबा 9 दिन पूजा करें और रोज 9 बार अपनी इच्छा को दोहराएं। लास्ट वाले दिन जब आप कलश स्थापना हटाते हैं तो उस कागज को बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं। जब आप कागज को प्रवाहित करते हैं उस समय साथ में एक दीपक जरूर जला दें। दोस्तों, आपका काम होगा होगा और होगा, 110% गारंटी। बहुत आसान उपाय है, करके देखिए, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को आना ही होगा, आएगा क्या, आएगा ही आएगा। जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।